हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्या हूँ, मोहरक के मरासी बीच पर, और यहाँ पर मैं आया हूँ अपने छोटे भाई राहुल के साथ, जो आज आप पूरा फुल मस्ती करेंगे और फुल एंजॉय करेंगे। तो राहुल तो बहुत देर से आने के साथ ही चला गया नहाने समुद्र सीधा, और वो नहा रहा है, पूरा मस्ती कर रहा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लेस है ये। आप लोगों को बैक कैमरा ऑन करके पूरा व्यूज़ दिखाता हूँ अच्छे से। और धूप बहुत ज़्यादा ही तेज़ है, तो आप देख सकते हैं ये पूरा बीच है, और ये सामने आपको ये दिख रहा हो बड़ी बिल्डिंग, ये पूरा होटल है। तो गाइस, मैं भी जा रहा हूँ पानी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा उमस हो रहा है बाहर, तो मैं चला पानी में और नहाने। आप यहाँ का पानी देख सकते हो, पूरा बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, और अंदर का पूरा रेत दिख रहा है। ये रहे हमारे राहुल भैया, जो पूरा फुल मस्ती कर रहे हैं आज। तैरने आता है हाँ, राहुल? हाँ, तैर के दिखाओ। उधर से उधर तक जाता हूँ। हाँ हाँ सीधा चलो, ऐसे डाइव मार के। हाँ ऐसे डाइव मार के, चोट पर पक्का लगा होगा, जिस हिसाब से उसने कूदा है ना, ऊंचाई नहीं है फिर भी उसने उस तरह वो कूद गया है। ये सारे लोग बलूचिस्तान के हैं, और ये राहुल तो अपना इंडिया का है, बहुत तगड़ा। और वैसे मैं एक दो बार ट्राई किया पानी के अंदर जाने के लिए, बट पानी इतना ज़्यादा खा रहा है कि नाक के अंदर जा रहा है, और आँख के अंदर जाने में बहुत ज़्यादा जलन सी होने लग रही है, इसलिए मेरे बस का तो नहीं है अंदर जाने का। मुझे तैरना नहीं आता, नहीं तो मैं अभी तैरता। वैसे तो मुझे पानी से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बहुत तैरने के सीखने का। वैसे 3 दिनार दिए हुए हैं, तो आज 3 दिनार का पूरा वसूल करना है। बोल है तुम लोग का पास? हाँ, बोल 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 नहीं अड़ा, बॉल रहता खेलते सच में मजा आता है। देखो उधर उस साइड दो कपल है जो झूला झूल रहे हैं। नहीं यही 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 रहो, वहाँ कहाँ जा रहे हो भैया? आप इतना ऊपर से आए नहीं? नहीं अड़ा, मुझे पानी से डर लगता है, इसलिए मैं नहीं। पूरी फैमिली है तो उधर जाना सही नहीं है, और जाना पानी से ठीक है, चालू है। तो गाइस, मैं थोड़ा स्विमिंग करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो और यहाँ पे लड़कियाँ भी सारी, जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो लोग भी आके यहाँ पे पूरा फुल एंजॉय कर रहे हैं, पूरा फुल मस्ती कर रहे हैं। मज़ा तो वैसे बहुत आ रहा है, बस थोड़ा नमकीन पानी, और जब चेहरा जब ये सूख रहा है, स्किन जब थोड़ा सा सूखने लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा फट रहा है जैसे, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मगर मज़ा तो पूरा आ रहा है, मज़ा में कोई कमी नहीं है, मज़ा भरपूर आ रहा है। तो आओ आप लोग भी आओ, मस्ती करो, बहुत मज़ा आ रहा है यार। शाहरुख कौन कौन है? इंडिया का बादशाह? नहीं जानते? ये बंदे का फेस याद रखो भाई, ठीक है? ऐसे नहीं बोलते भैया, मैं बोलता हूँ। राहुल राहुल देख इस शख्स को, मैं पता किस पे जानता हूँ, वरुण धवन बस। नहीं नहीं, बेस्ट एक्टर। अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद आप लोगों को यहाँ का बाहर का व्यू दिखाते हैं, और दिखाते हैं यहाँ पे जो कुछ यूनिक चीज़ है जो बहरीन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो गाइस, हम लोग बहुत देर से नहा रहे थे, 2 घंटे से, तो नहाते नहाते पूरी तरह बोर हो चुके हैं, तो अब यहाँ से हम लोग को निकलना होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप हो गई है। तो इन लोगों को पता नहीं कैसे धूप नहीं लग रही है, ये लोग अब धूप में लेटे हुए हैं, आप देख सकते हो मेरे पीछे अंकल, टकलू अंकल धूप में आराम से लेट के बुक पढ़ रहे हैं। इतना ज़्यादा धूप है, फिर भी पता नहीं कैसे ये इस तरह रुक जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है धूप से। वैसे इस यहाँ का तो हमें 3 वीडियो पेट करना पड़ा, बट ठीक है, पूरा उतना इंजॉय भी किए। मन से नहाने के बाद फिर आप यहाँ पर आके साफ पानी से नहा सकते हो। तो फिलहाल हम और राहुल नहा लिए हैं, देख रहे हैं मेरे पीछे सारे लोग अभी भी धूप में लेटे हुए। मैं सुबह 7 बजे का इधर आया हूँ, और इस टाइम अभी 11 बज रहा है, मगर सच बता बहुत इन्जॉय किए, बहुत मस्ती किए, बहुत मज़ा आया, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद इस तरह का कुछ करने का मौका मिला था। तो राहुल ही जिद कर रहा था कि बीच पे चलेंगे, राहुल वेट कर रहा है, तो चलिए राहुल के पास चलते हैं। और तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ का जो बाथरूम है, ये कंटेनर में है, और इस साइड ये लेडीज़ का साइड है, और ये जेंट्स के साइड है, और काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, आपको मैं दिखाता है पूरी तरह। आप देख सकते हैं यहाँ के कंटेनर के अंदर है, और
काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, साफ है इस तरह। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बाथरूम है और उस साइड और इस साइड ये पूरा बेसिंग लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, इस कंटेनर के भी अंदर आपको एसी मिल रहा है, पूरा ठंडा है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा धूप है तो अंदर आने के बाद मज़ा आ रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट है और काफ़ी ज़्यादा यूनिक तरीके का एक नए डिज़ाइन का यहाँ पे लोग टेबल लगाए हुए हैं। आप टेबल देख सकते हो, ये हमारे यहाँ का ड्रम है और इन्होंने ड्रम को कट करके एक अच्छा सा अच्छा लुक दिया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक दिया है। ये रेस्टोरेंट है, ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, आप देख सकते हो ये रेस्टोरेंट है। और यहाँ बाहर सब लोग बैठता है, एंजॉय करता है। और अभी तो हम लोग पूरा घूमते हुए इधर से आए, आओ आओ। तो हम लोग अभी बाहर के साइड आ गए हैं और वेट कर रहे हैं अपने फ्रेंड का। तो आप देख सकते हैं कि सामने भी होटल है, इस एरिया में पूरा होटल है और होटल के साथ इन्होंने एक प्राइवेट बीच भी बनाया। गाइस, राहुल पूरा नहा लिया, पहले समुद्र में नहाया, फिर सादे पानी से नहाया और अब पसीने से नहा रहे हैं। तो इन्होंने हमें यहाँ ड्रॉप किया है, वो अभी नमाज़ पढ़ रहे हैं और वो नमाज़ पढ़ के आएंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ बाहर वेट करना पड़ रहा है धूप में। तो दिखाता हूँ, ये जो ये भी कंटेनर है, ये कंटेनर के अंदर इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया, 2 फ्लोर का, एक ऊपर एक नीचे। थैंक यू। तो गाइस बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किए और राहुल भैया हमारे तो इतना ज़्यादा आज समुद्र में नहाए हुए हैं। राहुल मजा आया, आज का ये ब्लॉग यही एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, प्लीज सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब हमारे इनके लिए और मेरे लिए, हम लोग जो भी ब्लॉग बनाते हैं हमें थोड़ा सहारा मिलता है कि हम लोग थोड़ा आपके लिए कर रहे हैं, तो हमको और एक्सप्लोर करें ताकि हमें और हिम्मत आए और मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी हिम्मत होता है। थैंक यू। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और इसी के साथ आज का ये ब्लॉग एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।